हमास और इसराइल के बीच जंग को करीब 8 महीने हो चुके हैं। ना तो इसराइल पीछे हटने को तैयार है और ना हमास और उसके मददगार। भले ही संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में युद्ध विराम प्रस्ताव को पास हुए कई दिन बीत चुके हों, लेकिन गाजा और इसराइल युद्ध में इसका असर अब तक देखने को नहीं मिला है। इस बीच लेबनान में मौजूद हमास के एक वरिष्ठ अधिकारी ने एक न्यूज चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहा है कि ये किसी को नहीं पता है कि कितने बंधक जिंदा बचे हैं। हमास द्वारा बनाए गए 250 बंधकों में से 130 बंधकों को पहले ही रिहा करा लिया गया है। बाकी बचे 120 बंधक युद्ध विराम समझौते के लिए बहुत अहम है। अब हमास अधिकारी के इस बयान ने बंधकों के परिवारों की चिंता और बढ़ा दी। हमास के वरिष्ठ अधिकारी ओसामा हमदान ने बताया है कि किसी को भी नहीं पता है कि उनमें से कितने जिंदा हैं और उन्हें रिहा करने वाले किसी भी समझौते में स्थायी युद्ध विराम और गाजा से इजरायली सेना की पूरी तरह वापसी की गारंटी शामिल होनी चाहिए। ओसामा हमदान ने कहा कि नया प्रस्ताव एक इजरायली प्लान है जिसे पिछले महीने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा पेश किया गया था। ये प्रस्ताव युद्ध को खत्म करने के लिए समूह की मांगों को पूरा नहीं करता है। हमदान ने बताया कि हमास युद्ध विराम समझौते पर तभी राजी होगा जब उसको स्थायी युद्ध विराम पर इसराइल के रुख का स्पष्टीकरण मिल जाएगा। हमास की मांगों को लेकर हमदान ने कहा है कि गाजा से पूरी तरह इजरायली सेना की वापसी, फिलिस्तीनियों को अपना भविष्य खुद तय करने देना, पुनर्निर्माण, घेराबंदी को खत्म करना, कैदियों की अदला बदली के सौदे के बारे में उचित जानकारी शामिल है। हाल के दिनों में अमेरिका के सीज फायर प्रस्ताव पर बातचीत तेज हुई थी, लेकिन 12 जून को हमास के जवाब के बाद ये बातचीत बीच में अटक गई। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकन ने हमास के जवाब में दी गई संशोधन की मांगों पर निराशा जाहिर की थी। ब्लिंकन ने 12 जून को दोहा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमास के कुछ बदलाव व्यवहारिक हैं, कुछ नहीं। बता दें कि 7 अक्टूबर 2023 को इसराइल पर हमला करते हुए हमास ने 250 इसराइलियों को बंधक बना लिया था। इस हमले में इसराइली सैनिकों समेत करीब 1200 लोगों की मौत भी हुई थी। अक्टूबर के बाद से अब तक करीब 130 बंधकों को रिहा करा लिया गया है, लेकिन अभी 120 बंधक हमास की कैद में हैं। उधर इसराइल के हमलों में अब तक 35,000 से ज्यादा आम फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। टाइम्स नाउ ऑफ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।